आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण की बात हम कर रहे हैं, हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं या इस प्रदूषण को नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ उपाय आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पहला उपाय कहता है कि पर्यावरण मूल्यांकन करना, है ना, कि इसके प्राथमिक और द्वितीयक प्रभाव क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक और द्वितीयक प्रभाव से क्या अर्थ है? अब पर्यावरण में जिस तरीके के गैस रिलीज हो रही है या वेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया से रिलीज हो रहा है, उसका प्राइमरी लेवल पे शुरुआती तौर पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेंगे, है ना, और फिर आगे चलकर इसके क्या कुप्रभाव पड़ेंगे। कुप्रभाव एक अच्छा शब्द है, तो उस तरह को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, है ना, उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये मूल्यांकन करना कि शुरुआत में जो वेस्ट रिलीज हो रहा है, इस वजह से शुरुआती दिनों में क्या समस्याएं आ सकती हैं, फिर आगे चल करके ये समस्याएं कितनी बड़ी हो सकती हैं। तो जब समस्याएं बड़ी हो गई, हमने पूर्व आंकलन कर लिया है कि ऐसा हो सकता है, तो इससे बचाव करने के उपाय भी सोचने पड़ेंगे। जैसे कि आप एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हालांकि आजकल तो 100% लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, साथ में वायरस और एंटीवायरस क्या होता है। तो अब जैसे कि जानते हैं कि वायरस जो है उसको बनाने के साथ साथ लोग एंटीवायरस भी बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब समस्या बनाई है तो उसका निवारण तो बनाना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से सबसे पहले पर्यावरण मूल्यांकन करना ज़रूरी है कि जो वेस्ट निकल रहा है उसका प्राथमिक प्रभाव और द्वितीयक प्रभाव क्या है और हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका पूर्व आकलन करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। दूसरे बिंदु कहता है कि प्रदूषण प्रमापों को निश्चित करना, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड्स बना देने चाहिए। प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड्स, कि भाई इतना ही एक प्रमाप है, इससे ज़्यादा अगर प्रदूषण हुआ तो फिर आप पर रोकथाम लगाई जाएगी या आप पर कुछ नियम लागू किए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा टू व्हीलर्स को चलाने के लिए यूरो 11 या यूरो 12 ऐसे कुछ नियम निकाला है, या उसके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कुछ नियम निकले हैं जिसे टू व्हीलर से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके, है ना। समय समय पर चेकिंग होती है गाड़ियों की कि यहाँ से जो निकलने वाला धुआं है कहीं ज़्यादा तो एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं कर रहा है। अगर एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं कर रहा है तो एक ग्रीन कलर का लेबल जो है गाड़ियों पर चिपकाया जाता है, और अगर कर रहा है तो रेड कलर का शायद चिपकाया जाता है, और उन गाड़ियों को वापस सर्विसिंग के लिए भेजना है या सेलिंग में निकालना है, जिस भी तरह का कार्य उनके साथ किया जा सकता है, सोल्यूशन उनके लिए फाइंड आउट किया जा सकता है, वो सुझाया जाता है गाड़ी मालिकों को। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है नियमन। हर चीज़ को नियमन करना, मतलब एक रूल्स, नियमन का मतलब है रूल्स देना, ठीक है, कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने वेस्ट के लिए या प्रोडक्शन के लिए इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो वेस्ट निकल रहा है उनको नदियों में ना बहा करके एक प्रॉपर तरीके से इकट्ठा करके कहीं और डंप करना, ऐसे एरिया में जहाँ ह्यूमन की जो आबादी हो यानी मानव की आबादी कम के बराबर हो या नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके की नियम बनाना, प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध यानी रोक लगाना होता है। अगर फाइंड आउट करती है गवर्नमेंट या वहाँ का शासन या प्राप्त करता है, जानकारी उनको प्राप्त होती है कि किसी इंडस्ट्री की वजह से इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है कि बहुत वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा पोल्यूटेड हो गया है, वातावरण ख़राब हो रहा है, तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके, भाई कि आप अपनी इंडस्ट्री को बंद कर दीजिए, कहीं और जाकर के आप इसको इस्टेब्लिश कीजिए, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। सो इस या दूसरे और भी ऑब्लिगेशंस लगाए जा सकते हैं, रोकथाम की जा सकती है। तो इस तरीके हमको उपाय लेने चाहिए। और एक और उपाय की डिस्कशन यहाँ पे हो सकती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं इको मार्क योजना, कि जो इको एनवायरनमेंट के लिए जो बहुत अच्छा है ना, उनको ही उनको आगे प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना और उनको आगे बढ़ाना, या इको फ्रेंडली चीज़ों को हम आगे प्रोत्साहित करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में बताएंगे। अब हमने देख लिया कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या हैं। इस टॉपिक में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड जुड़ा हुआ है,
जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर को शुरू करते समय ही बताया था कि इस टॉपिक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं नीति शास्त्र। आइए व्यावसायिक नीति शास्त्र क्या होता है उसे जानते हैं और समझते हैं। जो व्यावसायिक नीति शास्त्र है, व्यवसाय को तो हमने जान लिया, नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र यानी एथिक्स, इंग्लिश में हम इसे एथिक्स कहते हैं। लेकिन ये एथिक्स होता क्या है? ये उन आदर्शों या आइडल्स को लेके बनता है जो कि हमें अपने कार्य को ईमानदारी से करने को प्रोत्साहित करती है। जिस भी काम को करें, केवल अगर हम एथिक्स की बात कर रहे हैं या नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो ये उन मॉरल वैल्यूज़ में है ना। आप लोगों ने आई थिंक क्लास 7th या 8th तक ये मॉरल वैल्यूज़ या मॉरल एजुकेशन की क्लासेस ली होंगी अपने स्कूल में। तो उसमें क्या होता है कि ऑनेस्टी, सत्यवादी रहना चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, ऐसे काम करना चाहिए जिससे हम सबकी मदद भी करें, सबको खुश भी रखे। तो ये सारी एथिकल चीज़ें हैं, है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं आइडल्स की, नीति की, तो ये ऐसे नीतियां हैं जिनमें हम ईमानदारी से अपना काम करें जिससे लोगों को या हमारे से जो समाज जुड़ा हुआ है वो उस पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े, बुरा प्रभाव ना पड़े। अब व्यावसायिक नीति शास्त्र को अगर हम दोनों शब्दों को जोड़ दें तो व्यवसाय इस तरीके से किया जाए कि उससे होने वाले लाभ का कुछ भाग जो है समाज को भी दिया जाए, है ना, इतनी ईमानदारी से और अच्छाई से किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब व्यावसायिक नीति शास्त्र की अवधारणाओं को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि व्यावसायिक नीति शास्त्र है क्या। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र से आशय उन सिद्धांतों और आदर्शों से है जो व्यवसाय के क्षेत्र में व्यवसाय के नैतिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं एवं उसको प्रभावित करते हैं। आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं और उसे और अच्छी तरीके से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जो कि पहली परिभाषा आपके स्क्रीन पर आ रही है और इसे दी है रोगिनी ए बुचोल्स ने। इनके अनुसार व्यावसायिक नीति शास्त्र से आशय व्यावसायिक निर्णयों से सही एवं गलत व्यवहार से है। दूसरा, एक और परिभाषा जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो है थॉमस एम गरेट ने दी हुई है। उन्होंने कहा है कि व्यावसायिक नीतिशास्त्र मूलतः व्यावसायिक लक्ष्यों एवं तकनीकों का विशिष्ट मानवीय उद्देश्यों के पारस्परिक संबंध से सरोकार रखना है। अगर हम इसको निष्कर्ष निकालें तो अभी तक हमने जितना समझा है व्यावसायिक नीतिशास्त्र को कि इस तरीके से व्यवसाय करना कि व्यवसाय में ईमानदारी भी बरतें, साथ ही साथ उन सभी सिद्धांतों का हम पालन करें जो कि एक अच्छे व्यवसाय में होने चाहिए, और वो व्यवसाय जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करें, है ना। तो इस तरीके से हमने इन दो परिभाषाओं के माध्यम से व्यावसायिक नीतिशास्त्र को आसान शब्दों में अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं और व्यावसायिक नीतिशास्त्र की अवधारणाओं को जानते हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक नीतिशास्त्र की दो अवधारणाएं हैं। पहला है परंपरागत अवधारणा जिसे हम ट्रेडिशनल कहते हैं, दूसरी है आधुनिक अवधारणा जिसे हम मॉडर्न कहते हैं। तो जो ट्रेडिशन की हम बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, परंपरागत अवधारणा की बात कर रहे हैं, इसमें जब बात होती थी तब बस इसी चीज़ की बात होती थी कि भाई किसी भी तरीके से व्यवसायी को अपना लाभ मिलना चाहिए, दैट्स इट, उसके आगे सोचना ही नहीं। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, है ना, जैसे मुनाफाखोरी जोड़ सकते हैं, दूसरी चीज़ स्वार्थता पर इस पर बल दिया जाता था, ये भी जोड़ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के व्यवसायी केवल स्वयं के हितों के बारे में सोचेगा, उसका सामाजिक हितों के बारे में सोचने या समाज के लिए कुछ करने के लिए कोई योगदान नहीं होगा, या ऐसे कोई प्लानिंग ही नहीं होगी हम कह सकते, या कोई सोच ही नहीं होगी। लेकिन हम इसके ठीक विपरीत अगर देखें, आधुनिक अवधारणा के बारे में सोचें और समझें, जो आधुनिक अवधारणा हमारे सामने आई है वो ये कहती है कि जो व्यवसायी है उसको जो बिजनेस करना चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए वो एथिकल रूप में करना चाहिए, नीतिपूर्वक करना चाहिए। मतलब यहाँ पे मुनाफा खोरी के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ स्वार्थता के लिए भी कोई जगह नहीं है। इन्होंने जो बल दिया है वो इन मुद्दों पर बल दिया है कि भाई आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कीजिए,
है ना? जैसे प्रदूषण कम करिए, ठीक है, उसके अलावा रोजगार दीजिए, है ना? और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि लोगों जो उपभोक्ता है उनको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए, है ना, उत्पाद में आफ्टर सेल सर्विसेज दीजिए, है ना, और लोगों तक माल को सही समय पर या उत्पाद को सही समय पर पहुंचाइए। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो एक अच्छे व्यवसायी को नीति पूर्वक व्यवसाय करते समय करना चाहिए। अब हमने कुछ उदाहरण भी समझ लिए हैं, आइए अब देखते हैं वेरी शॉर्ट में कि अब इस व्यावसायिक नीति शास्त्र के तत्व क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, आप सोच रहे हैं पहला तत्व ईमानदारी। हाँ बिल्कुल, व्यवसायी को ईमानदार होना ही चाहिए, है ना, ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हमें जानना है, समझना है और चर्चा करनी है। आइए देखते हैं वो क्या क्या है, और ये आपकी स्क्रीन पर है। पहला बिंदु कहता है स्वतः भारित अनुशासन। बिल्कुल, एक व्यक्ति को अनुशासित होना चाहिए, और अगर वह व्यवसायी है, उसने अपना कारखाना खोला है, व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिया है, व्यवसाय कर रहा है, तो उसे क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन में होना चाहिए, ठीक है। स्वयं समय पर आएगा तब तो बाकी के श्रमिक और बाकी के स्टाफ मेंबर समय पर आएंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे स्वयं के साथ साथ अपने काम करने वालों की भी अथवा साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में सोचना चाहिए। तो ये है कि स्वतः भारित अनुशासन उसमें होना चाहिए, ठीक है, व्यवसायी में। दूसरा बिंदु कहता है ईमानदारी। बिल्कुल, ईमानदारी की ज़रूरत है कि कोई भी काम करे ईमानदारी से करे, 100% देके करे, कि मतलब आप कस्टमर तक कोई उत्पाद पहुंचा रहे, उपभोक्ता तक, तो उसकी क्वालिटी ना गिराए अपने लाभ के लिए, है ना। आप अपना कॉस्ट बढ़ा सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत उत्तम है। तो जिन लोगों को उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, वो उपभोक्ता अपने आप आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, है ना। तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं, अपने काम को ईमानदारी से करना है, और लाभ अर्जन के लिए ऐसे कोई भी उपाय, मुनाफाखोरी जैसे उपाय को अपनाना नहीं है। फिर है समता, इक्वलिटी, की हर बिजनेस मैन को हर अपने उपभोक्ता के बारे में सोचना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है ना, तेल की बात करें, तो कई प्रकार के उपभोक्ता है जो बड़े डब्बे ले सकते हैं, कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो छोटे केन ले सकते हैं, कुछ उपभोक्ता होते हैं जो सैशे में मतलब पाउच में यूज़ करते हैं। तो अपने हर प्रकार के उपभोक्ता के बारे में जानना समझना है, और इक्वली समझते हुए सबके लिए थोड़ा ना थोड़ा कुछ प्रिपेयर करके रखना है, कि वो अपने हर तरह के कस्टमर को और उपभोक्ता को क्या कर सके, सैटिस्फाई कर सके। अगला बिंदु कहता है मार्गदर्शक शक्ति होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। फिर सहायक प्रवृत्ति होनी चाहिए। सहायक प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, कि अपने साथ साथ जो कस्टमर है ना, उनको सहायता देना कुछ कुछ, और साथ साथ व्यवसायी है उनको भी अलग अलग तरीके से सहायता करना। अगर उनको अपने व्यवसाय को चलाने में आगे बल चाहिए, अगर धन की आवश्यकता है, तो थोड़ा धन जितना उनसे हो सकता है वो करें, साथ ही साथ अपने उपभोक्ता का मार्गदर्शन करें, कि जिस तरीके से अच्छे प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, वो साथ में उसकी व्यवसायी भी उसी तरीके प्रोडक्ट बेचे और कस्टमर भी सैटिस्फाइड होगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट चलता है ना, कि आप जिस तरीके से देखते हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ना। अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मेरे साथ रहने वाले लोग क्या सीखेंगे, अच्छा काम करना सीखें। इस तरीके से मैं उनका मार्गदर्शन भी कर रही हूँ, है ना। तो वैसे एक व्यवसायी को इस तरीके से होना चाहिए कि वो अपने साथ के व्यवसायियों का ही ना केवल, साथ में अपने उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन भी करें और उनकी सहायता भी करें। फिर है नैतिकता की बात, जो अभी तक हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। फिर है सामाजिक मूल्यों का पालन करना। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी ने बनाए हैं, है ना, उनका पालन करना है। पर्यावरण को इतना प्रदूषित नहीं करना है कि समाज में रहने वाले लोग उससे बैडली इन्फेक्टेड हो जाएं, बुरी तरीके से प्रभावित हो हम कह सकते हैं, और बुरे कामों में बिल्कुल सहयोग नहीं करना, जैसे मुनाफाखोरी हुई या अपने स्वार्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, देश के हितों के बारे में सोचना है। ऐसे कार्य हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए जिससे देश का हित हो, साथ में देश के कानून का पालन भी हो, और अंतिम में हम कह सकते हैं कि सहयोग की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने इसके पहले एक बिंदु में सहायक प्रवृत्ति वाले बिंदु में मैंने चर्चा की है, उसी तरीके का एक बिंदु है ये। तो इस तरीके से हमने व्यावसायिक नीति क्षेत्र के तत्वों को जाना है।
अब एक पॉइंट आता है कि सामाजिक मूल्य तथा व्यावसायिक नैतिकता। सामाजिक मूल्य हम क्यों समाज को दे, ठीक है? सामाजिक मूल्य क्या है? एक व्यवसायी ऐसे सोच सकता है ना कि हम क्यों समाज को दे। तो एक नैतिकता बनती है व्यवसाय की, क्योंकि जब व्यवसाय हम प्रारंभ करते हैं तो हम सारी चीजों को समाज से ही लेते हैं, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे भूमि हो, है ना, अपना कारखाना बनाने के लिए, ठीक है, श्रमिक समाज का ही पार्ट है, ठीक है, कच्चा माल भी समाज से ही मिल रहा है, जो अलग अलग संसाधन है वो भी समाज से ही मिल रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया, समाज की विभिन्न रिसोर्सेस या संसाधनों का इस्तेमाल किया। तो अब ये सोचना कि मैं व्यवसायी हूँ, लाभार्जन करना मेरा मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व की बात कहाँ से आई, ये बिल्कुल गलत होगा। किसी भी व्यवसायी को व्यवसाय करते समय अपने दिमाग में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बिल्कुल लाभ अर्जन करना उनका प्राथमिक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इस प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जो अपना मुख्य उद्देश्य है, जो सामाजिक उत्तरदायित्व वाला उद्देश्य है, उसको छोड़ नहीं सकते या उसकी तरफ देखना बंद नहीं कर सकते। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें इस पूरे चैप्टर का, तो हम यह कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक नीतियां हैं वो हमेशा सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है, या व्यवसाय को एक व्यवसायी को व्यवसाय इस तरीके से करना चाहिए कि वह अपने नीतियों का पालन करते हुए, है ना, एथिकल वे में हम कह सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए और अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, सामाजिक उत्तरदायित्व को समझे और साथ ही साथ उसको पूरा करें। तो बच्चे, मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी आप अब आसानी से स्वयं से हल कर लेंगे। धन्यवाद।